एबीपीएस न्यूज़। गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव जनपद हापुड़ के ब्लॉक गढ़मुक्तेश्वर में स्थित लुहारी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान अयूब अली हैं। ग्राम प्रधान अयूब अली को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहाँ के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 9000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 4 किलोमीटर ही है। लगभग 4300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 700 राशन कार्ड धारक हैं। इसी के साथ वर्तमान में गांव में 15 विधवा पेंशन, 25 वृद्धा पेंशन, 2 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 200 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 20 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 120 सोलर लाइट भी लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसीटाइज रोड, 7 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में 3 सीसीटाइज रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम अयूब अली है। ग्राम प्रधान लुहारी मुस्तफाबाद, ब्लॉक गढ़मुक्तेश्वर है, जनपद हापुड़। मेरे गांव में जो सरकार ने पैसा दिया है उसका हमने सही उपयोग किया है। सड़कें बनवाई हैं, इंटरलॉकिंग कराई है और स्कूल स्मार्ट स्कूल बनाया है। जूनियर हाई स्कूल को हमने स्मार्ट बनाया है और उसमें कजारिया प्लेट लगवाई है और सारे की मरम्मत कराई है। छत पर टाइल्स बिछवाई है और वहाँ शौचालय भी बनवाए हैं, पेंटिंग कराई है और प्राइमरी स्कूल में भी हमने प्राइमरी स्कूल को भी स्मार्ट बनाया है। शौचालय भी उसमें बनवाए, टंकी लगवाई है, समर सेविल लगवाया है और वहाँ सारी व्यवस्था सुधारी है। नया फर्नीचर हमने लगवाया है प्राइमरी स्कूल में। अब बच्चे फर्श पे नहीं बैठेंगे, बेंचों पे बैठते हैं और मिड डे मील का जो खाना बनवाते हैं उनका किस्म का खाना बनवाते हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और यहाँ उसमें जो आंगनवाड़ी है उन्हें आंगनवाड़ियों का कार्य कराया है, प्लस्तर उन पर कराए हैं, इंटरलॉकिंग कराई है। सौर ऊर्जा अपने गांव में हमने सौर ऊर्जा लगवाई है, सौर ऊर्जा सारी बढ़िया काम कर रही है। अब हमारे यहाँ कच्ची भी रास्ते बचे हैं, नाली जो घटिया टूट फूट हो रही है वे बच रहे हैं। सरकार अगर हमें पैसा देती है तो हम उसे सारे काम को, गांव का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया करेंगे। पैसा देती है तो उसमें हम काम कराएंगे। अभी हमारे यहाँ कच्चे रोड भी बच रहे हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि हैंडपंपों से बहुतों से गंदा पानी आ रहा है। टंकी की यहाँ ज़रूरत है, गवर्नमेंट हमें टंकी दे तो हम गांव में टंकी लगवा देंगे, जगह उपलब्ध करा देंगे। हमारे पास टंकी लगाने के लिए जगह उपलब्ध है और घर घर तक हम अच्छा जल पहुँचा देंगे अगर हमें सरकार पैसा देती है टंकी। शमशान घाट का हमने शमशान घाट के लिए एक रोड बनाया है सड़क के, शमशान घाट में वहाँ गंदगी में लोग ना जाएं, उसके सांप कीड़ा ना काटे वहाँ गंदे रास्ते से रास्ते थे और शमशान घाट बनवाने के लिए प्रयासरत हैं और बजट जैसे ही आता है तो उसमें काम जो है शुरू करा देंगे। हमारे गांव में पेंशनों की है कि पहले पेंशन आ रही थी, सरकार चेंज होने के बाद पेंशन सारी रुक गई है, ब्रेक लग गया है। 10-15 पेंशन विधवा आ रही हैं और 10-15-20 शायद वृद्धा आ रही हैं और अभी यहाँ विकलांग पेंशन की भी ज़रूरत है, विधवा पेंशन की भी ज़रूरत है और वृद्धा पेंशनों की भी ज़रूरत है। यहाँ
एक हमने रामलीले मैदान है, रामलीले के लिए रोड बनाया है, और गांव में बहुत कुछ, बहुत रोड हम अब तक बनवा चुके हैं। पंचायत घर पे भी हमने सारी मतलब शौचालय मरम्मत, पीछे वो खराब हो गई थी, बैठ गए थे उसके कमरे, पिलर विलर लगा के मरम्मत करा के जाली की लोहे के गेट लगवा दिए हैं ताकि वहाँ कोई चोरी ना हो तो हो सके। पंचायत घर भी हमने मॉडर्न बना दिया, स्मार्ट बना दिया।